7-8 घंटे का सफर है। बिल्कुल दूसरा है, सर्विस काफी अच्छी है, आपको पता है यूरोप है यार। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, डॉक्टर साहब हाय। अभी हम जा रहे हैं आज स्टॉकहोम, फ्लिक्स बस यहाँ से लेंगे। अभी हम ओस्लो में बैठे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कुछ खाते हैं, मैंने कहा चलो कुछ खा लेंगे। यहाँ से हमारा 7-8 घंटे का सफ़र है। बिल्कुल हम थोड़ा दूर है तो वहाँ हम जाएंगे, तो फिर नाइट हो जाएगी, तो इंशाल्लाह दोबारा हम जो है सिटी को एक्सप्लोर करेंगे, आपसे शेयर करेंगे। आज के जो इलाके का मकसद है, मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था, फ्लिक्स बस दिखाऊंगा, वो जर्नी जो हम यहाँ से कर रहे हैं स्टॉकहोम, वो मैं दिखाऊंगा और आप देखेंगे क्या किस तरह जर्नी चलती है। तो एंजॉय द विलाज। Thank you.
फाइनली हम पहुंच गए जर्नी के बाद बस में। डॉक्टर साहब भी साथ हैं, कभी म्यूजिक सुनते रहे हैं तो कभी डॉक्टर साहब तो किताब पढ़ते रहे हैं रास्ते पे। और बस यार शुगर लगाना पड़ता है, शुगर के बगैर जो है काम नहीं चलता। हाँ, माइंड को चेंज करने कभी मोबाइल, कभी सॉन्ग, कभी बुक, कभी और टेस्ट, कभी किसी से बात कर ली। हाँ बस अभी थोड़ी सी थकावट हो रही है हमें, तो इंशाल्लाह अभी जा रहे हैं अपने अपार्टमेंट पे। पर गाइस जो सफ़र था फ्लिक्स बस का काफ़ी अच्छा रहा। डॉक्टर साहब अपना एक्सपीरियंस बता दें। फ्लिक्स बस से मैं कहता हूँ आप इंटर यूरोप अगर ट्रैक कर रहे हैं ट्रैवल तो ज़रूर यूज़ करें। उसमें हाँ। आप जो है ना ग्रासी लैंड और छोटे छोटे टाउन वो भी देखेंगे तो लाजमी है। डॉक्टर साहब लैंडस्केप का मज़ा आया ना, कमाल लैंडस्केप की। हाँ तो लैंडस्केप हमने जो देखी जब हम बस में आ रहे थे जो सेकेंड टाइम था, दूसरा है सर्विस काफ़ी अच्छी है, आपको पता है यूरोप है यार। और वाईफाई बाकी जो चीज़ें होती हैं, वाशरूम ही वन अवेलेबल होता है तो आप इजीली वो भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी मज़ा आया, एक्साइटिंग था। और बस इंशाल्लाह मैं ये व्लॉग इधर पे एंड करूँगा, तो बस कल घूमेंगे सिटी, आप लोगों को भी दिखाएँगे। चैनल को सब्सक्राइब करें डॉक्टर साहब, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस करें और हमारी मेहनत जो भी है उसको अप्रिशिएट करें। ओके गाइस सी यू।